हेलो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ब्रांड इक्विटी एंड मॉडल्स ऑफ ब्रांड इक्विटी ब्रांड इक्विटी समझने से पहले हमें ये बताना चाहिए कि ब्रांड क्या होता है ब्रांड एक नाम हो सकता है एक सिंबल हो सकता है कोई भी साइन हो सकता है या इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है जो क्या करता है जो आइडेंटिफाई करता है गुड्स और सर्विसेज के सेलर्स को और डिफ्रेंशिएट करता है एक सेलर को या एक मैन्युफैक्चरर कंपनी को दूसरी मैन्युफैक्चरर कंपनी से या हम ये कह सकते हैं कि ब्रांड हेल्प करता है डिफ्रेंशिएट करने में कंपिटिटर्स को सेकंड कॉन्सेप्ट है ब्रांडिंग ब्रांडिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं हम ब्रांड पावर देते हैं किसी भी प्रोडक्ट को मीन्स एक ब्रांडिंग देते हैं जिससे क्या हो उस प्रोडक्ट की पावर या उस प्रोडक्ट का मार्केट में स्टेटस पता चल सके और एक किस काम आता है मेनली जो काम होता है ब्रांडिंग का होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट सेलर या डिफरेंट मैन्युफैक्चरर थर्ड कॉन्सेप्ट इसमें है ब्रांड इक्विटी ब्रांड इक्विटी क्या होती है ब्रांड इक्विटी एक एडिड वैल्यू होती है जो प्रोडक्ट में इनहेंस हो जाती है ब्रांडिंग के वजह से ये हमें रिफ्लेक्ट होती है इन द वे ऑफ कस्टमर थिंक फील एंड एक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ब्रांड एज वेल एज इन द प्राइस मार्केट शेयर प्रोफिटेबिलिटी इस जरिए हमें पता चलता है कि ब्रांड इक्विटी कितनी है किसी भी प्रोडक्ट की कि कस्टमर की थिंकिंग क्या है उस प्रोडक्ट के लिए उसकी फीलिंग क्या है उसकी रिस्पेक्ट क्या है या प्रोडक्ट के प्राइस मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं ब्रांड इक्विटी को थर्ड कॉन्सेप्ट है कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी क्या है इट इज डिफ्रेंसीट इफेक्ट ब्रांड नॉलेज हैज़ ऑन कंज्यूमर रिस्पॉन्स टू मार्केटिंग ऑफ द ब्रांड के कस्टम कंज्यूमर के रिस्पॉन्स क्या है ब्रांडिंग के टूवर्ड्स वो मे भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव में क्या होगा पॉजिटिव में कंज्यूमर्स मोर फेवरेबल होंगे उस प्रोडक्ट के टूवर्ड्स और नेगेटिव में जो कंज्यूमर्स हैं वो लेस फेवरेबल होंगे उसकी मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए किसकी ब्रांडिंग की नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं ब्रांड प्रोमिस ब्रांड प्रोमिस क्या होता है वर्ड द ब्रांड मस्ट बी एंड डू फॉर कंज्यूमर्स कि ब्रांड क्या है और कंज्यूमर्स के लिए क्या करेगा यही क्या कहलाता है ब्रांड प्रोमिस अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पे ब्रांड इक्विटी मॉडल्स यहां पर तीन मॉडल्स हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रांड एसेट्स वैल्यूएटर में ब्रांड एसेट्स वैल्यूएटर जो मॉडल है वो दिया था एडवरटाइजिंग एजेंसी यंग एंड रूबिगम ने इसके अंदर रिसर्च की गई थी आठ लाख कंज्यूमर्स ऑफ फिफ्टी वन कंट्रीज जिसके बेसिस पे इन्होंने फोर पिलर्स बनाए ब्रांड इक्विटी के फोर पिलर्स में कैटेगराइज किया ब्रांड इक्विटी को फर्स्ट है एनर्जाइज्ड डिफ्रेंसी या इसको हम डिफ्रेंसी बोल सकते हैं तो इसने बोला सब पहला काम क्या होगा किसी भी ब्रांड का वो डिफ्रेंशिएट करता है एक प्रोडक्ट को या एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से इट मेजर्स द डिग्री टू रीच ए ब्रांड इज सीन एज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स सेकेंड पिलर है इसका relevance. कि कितना रिलिवेंस है ये क्या अप्रोप्रिएटनेस चेक करता है क्या मेजर करता है अप्रोप्रियटनेस ऑफ ब्रांड अपील कि जो ब्रांड अपील कर रहा है वो कितनी रिलीवेंट है कितनी सच्चाई है उस अपील में नेक्स्ट है थर्ड पिलर हमारा एस्टीम एस्टीम क्या है यह मेजर्स करता है कंज्यूमर्स की परसेप्शन को प्रोडक्ट की क्वालिटी के टूवर्ड्स या हम कहें कि ये बताता है कि हाउ वेल द ब्रांड इज रिगार्डेड एंड रिस्पेक्टेड बाय द कंज्यूमर्स कि कंज्यूमर्स कितना रिस्पेक्ट करते हैं ब्रांड को कितने लोवल हैं उस ब्रांड की टूवर्ड्स उसको हम बोलते हैं एस्टीम लास्ट फोर्थ पिलर है हमारा नॉलेज नॉलेज के अंदर हम मेजर करते हैं कि हाउ अवेयर एंड फैमिलियर कंज्यूमर्स आर विद द ब्रांड कि कंज्यूमर्स ब्रांड से कितने अवेयर ब्रांड के बारे में और कितने फैमिलियर फैमिलियर मीन्स यूज कितना करते हैं उसको मीन्स ये बताता है डेप्थ ऑफ एक्सपीरियंस तो ये थे फोर पिलर्स ऑफ ब्रांड एज वैल्यूएटर डायग्राम है इसका एक जो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइमिंग के अकॉर्डिंग कि डिफ्रेंसी रिलीवेंस स्टीम नॉलेज जो डिफ्रेंसी एंड रिलिवेंस है वो बताता है ब्रांड स्ट्रेंथ को और जो एस्टीम एंड नॉलेज है वो बताती है ब्रांड स्टेचुअ को अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट मॉडल मॉडल ब्रांड्स जो कि गिवन बाय मिलवर्ड ब्राउन एंड डब्ल्यू पी पी इसने क्या किया इसने ब्रांड डायनामिक पैरामिड दिया जो डिस्क्राइब करता है ब्रांड स्ट्रेंथ को तो हम ब्रांड डायनेमिक पैरामि पिरामिड पढ़े उससे पहले हम टाइप्स ऑफ ब्रांड एसोसिएशन पढ़ लेते हैं इन्होंने तीन एसोसिएशन में डिवाइड किया पावर प्रीमियम और पोटेंशियल पावर क्या है पावर बताती है प्रिडिक्शन ऑफ ब्रांड्स वॉल्यूम शेयर प्रिडिक्शन करती है कि वॉल्यूम ऑफ शेयर क्या है उस ब्रांड का सेकेंड है प्रीमियम प्रीमियम बताता है ब्रांड्स एबिलिटी टू कमांड ए प्राइस प्रीमियम कि प्राइस प्रीमियम को कमांड करने की एबिलिटी उस ब्रांड की कितनी है प्राइस प्रीमियम मींस प्राइस से एक्स्ट्रा जो चार्ज कर रहे हैं ब्रांड के नेम पे थर्ड है पोटेंशियल पोटेंशियल इज द प्रोबेबिलिटी डेट ए ब्रांड विल ग्रो वैल्यू शेयर पोटेंशियल मीन्स प्रोबेबिलिटी है कि उसके सर्च बढ़ सकते तो ये थ्री टाइप्स ऑफ ब्रांड एसोसिएशन ब्रांड मॉडल के उसके बाद जब हम बात करते हैं ब्रांड इज एक्टिवेटेड इन द मार्केट प्लेस एंड कंपिटिशन डेट एग्जिस्ट दे विल डिटरमाइन हाउ स्ट्रॉन्गली ब्रांड इसलिए ब्रांड डायनेमिक पेरामिंड दिया ब्रांड मॉडल में इसके अंदर हर पर्सन को इंटरव्यूड असाइन किए गए सबको एक एक लेवल दे दिया गया पिरामिड का और इंटरव्यू असाइन किए, जिसके बाद हम क्या है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु हैव रीच ईच लेवल तो जो कंज्यूमर्स थे जो इन लेवल्स पे रीच किए उनके बारे में बताएगा, तो इसके अंदर फाइव लेवल्स में डिवाइड किया हमने ब्रांड डायनामिक पिरामिड को फर्स्ट है प्रेजेंस इसका मतलब है नॉलेज ऑफ ब्रांड प्रोमिस कि हमें कितने फैमिलियर है उस ब्रांड से और हमें कितनी नॉलेज है उस ब्रांड प्रोमिस के बारे में सेकेंड है रिलीवेंस रिलीवेंस हमने पहले सर्स वैल्यूटर मॉडल में भी पढ़ा था पिलर फो उसके फोर पिलर के अंदर था रिलीवेंस तो रिलीवेंस टू कंज्यूमर नीड्स इन द राइट प्राइस रेंज और इन द कंसिडरेशन सेट कि रिलीवेंट हो कंज्यूमर्स उसको उस प्राइस में खरीद सके तो वो होता है रिलीवेंस नेक्स्ट है परफॉर्मेंस हम ये मान के चलते हैं कि जो परफॉर्मेंस है प्रोडक्ट की वो कंज्यूमर्स को जो रिक्वायरमेंट है परफॉर्मेंस की उसको फुलफिल करेगा तो इसमें क्या किया गया प्रोडक्ट के एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस के बेसिस पे कंज्यूमर को शॉर्टलिस्ट किया गया थर्ड आया सॉरी फोर्थ आया एडवांटेज एडवांटेज के अंदर क्या किया हमने ब्रांड हैज़ एन इमोशनल और रैशनल एडवांटेज ओवर अदर ब्रांड इन द कैटेगरी इस कैटेगरी के अंदर उन कंज्यूमर्स को लिया गया जिसमें ब्रांड ने इमोशनल और रैशनल एडवांटेज क्रिएट किया लास्ट है बॉन्डिंग बॉन्डिंग मीन्स लगाव होना अटैचमेंट होना इसके अंदर क्या हुआ वो कंज्यूमर्स थे जिनका रैशनल एंड इमोशनल अटैचमेंट हो गया किसके साथ हाँ? ब्रांड के साथ तो ये थे ब्रांड डायनामिक पिरामिड ब्रांड्स मॉडल के अंदर अब हम डायग्राम के हाल से समझेंगे डायग्राम रिप्रेजेंट है पिरामिड के फॉर्म में लोवेस्ट है जो बॉटम पे है वो परसेंस रिलेवेंस परफॉर्मेंस एडवांटेज एंड लास्ट इज बॉन्डिंग इसी के साथ में इसमें समझाया गया कि सबसे लो लेवल पे, पे जो रिलेशन होता है वो बड़ा वीक होता है और जो होता होता है वो भी बड़ा लो होता है एंड द टॉप ऑफ द पिरामिड जो रिलेशनशिप होता है बहुत स्ट्रोंग होता है और हाई शेयर ऑफ कैटेगरी एक्सपेंडिचर इस पे होता है और इन पांचों पिरामिड के लेवल्स को इन सिंपल वर्ड्स इस डायग्राम में समझाया गया है प्रसेंस मीन्स डू आई नो अबाउट इट मुझे उसके बारे में पता है ब्रांड के बारे में पता है रिलेवेंस वो मुझे कुछ ऑफर कर रहा है परफॉर्मेंस ये मेरे को वो परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा जो मुझे चाहिए एडवांटेज या दूसरे से कुछ अच्छा देगा मुझे या नहीं दूसरे ब्रांड से बॉन्डिंग इसको कोई भी पीछे नहीं कर सकता मीन्स इससे अच्छा कोई नहीं दे सकता बॉन्डिंग तो ये हमारे सिक्स लेवल्स ऑफ ब्रांड डायनेमिक पिरामिड्स लास्ट वन जो हमारे लास्ट मॉडल है ब्रांड रिसोनेंस मॉडल इसने क्या किया ब्रांड बिल्डिंग की और असेंडिंग सीरीज में इसके स्टेप्स हैं ये हमारे बॉटम टू टॉप क्या बनाया इसने ब्रांड बिल्डिंग कैसे क्रिएट हुई सबसे पहले ये कहता है कि हमें इंश्योर होना चाहिए कि कस्टमर के जो है वो हमारे ब्रांड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और एसोसिएट कर पा रहे हैं कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट क्लास के साथ कि ये ब्रांड है और ये ब्रांड इस प्रोडक्ट क्लास से अटैच मीन्स हम अगर बात करते हैं वर्फूल की एल की तो हम एल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और एसोसिएट कर रहे हैं किसके साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के साथ सेकंड स्टेज स्टेप पे आते हैं इसमें ये कहता है कि कस्टमर के माइंड में ना स्ट्रेटेजिकली लिंक करो किसको ब्रांड को टैंजिबल और टेंजिबल एसोसिएशन के साथ थर्ड पे ये कहता है हमें प्रॉपर कस्टमर रिस्पॉन्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ ब्रांड रिलेटेड जजमेंट एंड फीलिंग्स मीन्स कस्टमर के रिस्पॉन्स आने चाहिए उनके जजमेंट और उनकी फीलिंग के बिहाफ में फिर कहता है वो कि हमें कस्टमर ब्रांड रिस्पॉन्स को किसमें कन्वर्ट करना है एक्टिव लॉयल्टी में मीन्स ब्रांड रिस्पॉन्स कन्वर्ट इनटू कस्टमर लॉयल्टी अब इसके ब्रांड बिल्डिंग के का पिरामिड है ब्रांड बिल्डिंग ब्लॉक्स का लेवल से ब्लॉक्स कह सकते हैं। फर्स्ट है ब्रांड सैलेंस इसके अंदर हम क्या कहते हैं हाउ ऑफटन एंड हाउ इजीली कस्टमर थिंक ऑफ द ब्रांड कि कितने सरलता से कितने जल्दी कोई कस्टमर हमारे ब्रांड के बारे में सोचेगा या दूसरे वर्ड्स में डेप्थ एंड ब्रेथ ऑफ ब्रांड अवेयरनेस क्या कहलाता है ब्रांड सैलेंस सेकेंड आया ब्रांड परफॉर्मेंस ब्रांड परफॉर्मेंस कहती है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कितने अच्छे तरीके से हमारे फंक्शनल नीड को फुलफिल कर रहा है थर्ड ब्रांड इमेजनरी इमेजरी ब्रांड इमेजरी क्या कहता है कि कस्टमर ब्रांड कस्टमर्स को साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स को कैसे फुलफिल कर पा रहा है इट डिस्क्राइब द एक्सटेंसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस फोर्थ वन ब्रांड जजमेंट इट फोकस ऑन कस्टमर्स ओवन पर्सनल ओपिनियन एंड वैल्यूज़। ब्रांड जजमेंट मीन्स कि कस्टमर अपने ओपिनियन से अपने इवेल्यूएस से उस ब्रांड के बारे में क्या अनुमान लगा रहा है फिफ्थ ब्रांड फीलिंग कि कस्टमर इमोशनली उस ब्रांड के लिए कैसे रिएक्ट करता है कैसे रिस्पॉन्स करता है उसको हम बोलते हैं ब्रांड फीलिंग लास्ट वन ब्रांड रिसोनेंस जो फाइनल ब्लॉक है इसका इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप कस्टमर्स हैव विद द ब्रांड एंड द एक्सटेंड टू विच दे फील दे आर इन सैनिक विद इट इसमें ये बताता है कि जो कस्टमर है वो ब्रांड से कितना लगाव है कि उसको उसकी लत हो गई आदत हो गई उस ब्रांड की कि वो उस ब्रांड के अलावा कोई और ब्रांड यूज नहीं करना चाहता विद द हेल्प ऑफ डाइग्राम इसको समझने की कोशिश करेंगे दोबारा जो मिडल में है मिडल में हमको डिस्क्राइब किया गया है ये जो हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़े थे अभी नीचे से ऊपर की साइड बॉटम टू अप उसके बाद कंपेयर किया गया हमको स्टेजेस ऑफ ब्रांड डेवलपमेंट के साथ और ब्रांड ऑब्जेक्टिव एट ईच स्टेज तो स्टेज ऑफ ब्रांड डेवलपमेंट में देखेंगे सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं हु आर यू कि वो ब्रांड या वो प्रोडक्ट है क्या फिर मीनिंग देखते हैं हम किसी ब्रांड को डेवलप करने से पहले हम क्या देखते हैं आइडेंटिफाई करते हैं कि वो प्रोडक्ट क्या है और वो प्रोडक्ट किस लिए है? और फिर response, कि उसके लिए लोग क्या सोचते हैं लास्ट रिलेशनशिप की ब्रांड या प्रोडक्ट और कंज्यूमर के बीच में क्या रिलेशन है ठीक है तो ये थे हमारे थ्री मॉडल्स ऑफ ब्रांड इक्विटी फर्स्ट था हमारा ब्रांड एसेट्स इवेलुएटेड सेकेंड था हमारा ब्रांड मॉडल ठीक है और थर्ड था हमारा ब्रांड बिल्डिंग ब्लॉक्स पिरामिड तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ ब्रांड इक्विटी मॉडल्स